हाय एवरीवन, नमस्ते। और मेरे यूट्यूब चैनल प्लांटिंग माय हॉबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ मनी प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पौधे का नाम मनी प्लांट नहीं है। मनी प्लांट के नाम से ये पौधा वैसे पॉपुलर है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये पौधा पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा संख्या में लगाते हैं और लगभग हर घर में ये प्लांट मिल ही जाता है। लेकिन इस प्लांट का एक्चुअल नाम पोथोस है और ये काफ़ी सारी वेराइटीज़ में मिलता है। मैंने जो वीडियो में मेरा प्लांट दिखा रखा है, ये एक कॉमन हाउस प्लांट है जो ज़्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं। इस प्लांट को गमले में भी लगा सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी इसे लगाया जा सकता है। ये बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है और इसका प्रोपेगेशन का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट वाटर में भी लगाया जा सकता है, तो उसके लिए अलग अलग से ध्यान रखना पड़ता है कुछ टिप्स का कि जैसे हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हमें कब क्या चीज़ चाहिए होती है, कब क्या खाना होता है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो देखिए, सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो ये है सोइल के बारे में कि हमें इसका सोइल मिक्स कैसा लेना चाहिए। तो सोइल मिक्स में आप नॉर्मल गार्डन सोइल ले सकते हैं, उसमें आप गोबर की खाद या फिर कोई भी कंपोस्ट इसमें मिला सकते हैं, सब्जी वाला या फिर जो भी कंपोस्ट आपको सही लगे, जो आप अपने प्लांट्स में लगाते हों वो आप इसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं और कोई भी फंजीसाइड पाउडर वगैरह भी इसमें साथ में आप ऐड कर सकते हैं। गोबर की खाद इसके लिए वैसे बेस्ट होती है और मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई थी, उससे मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्लांट खरीदा था, काफ़ी टाइम तक मेरे इन पौधों की ग्रोथ नहीं हुई। वैसे के वैसे इसमें जो 5-6 पत्तियां आई थी जब मैंने खरीदी थी, वो की वो लगी रही। फिर मैंने सोचा कि यार इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, क्या किया जाए। मैंने काफ़ी जगह पे सर्च किया, कुछ लोगों से पूछा एंड देन फाइनली मैंने इसका ट्रीटमेंट कर ही दिया। इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई थी एक बार और उसके 3 से 4 महीने के बाद मैंने इसमें जो है थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया था। इसके अलावा मैंने इसमें वॉटरिंग का भी ध्यान रखा है। सो वॉटरिंग का मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं जो फर्टिलाइजर का मैंने बताया है, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। 3 से 4 महीने में आप इसमें थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिलाते रहें, उसी में ये प्लांट अच्छे से बढ़ता रहेगा। अगली बात अगर मैं बताऊं तो वो है पानी की। तो इसमें पानी कितना डालना चाहिए, देखिए इसे मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी वाला एरिया जो है काफ़ी पसंद होता है इस प्लांट को। सो लगभग जहाँ पर 50 से 60% ह्यूमिडिटी होती है वो एरियाज जो मनी प्लांट के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्राई एरियाज में आप इसे नहीं लगा सकते। आप इसकी पत्तियों पर जो नॉर्मल वाटर है उसकी स्प्रे करते रहें और इसे मतलब अंदर रखें, फ्लोरोसेंट लाइट में भी रख सकते हैं या फिर आप इसे सेमी शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही कम धूप आए। ज़्यादा धूप वाली जगह पर आपको मनी प्लांट को नहीं रखना होता है। इसका स्टेम जो है वो पानी का ही होता है, मतलब एक तरह से स्टिक होती है, हार्ड स्टेम इसका नहीं होता। और इसकी जो सोइल है वो आपको बहुत ही लाइट लेनी है, मतलब कि ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं लेनी है, हल्की हल्की सी खुली खुली मिट्टी लेनी है ताकि उसमें से पानी जो है वो भी अच्छे से इसकी जड़ों तक पहुंच जाए और जो है इसमें जो प्रोपिगेशन है रूट से वो भी इजीली होता रहे। तो देखिए मैंने बिल्कुल हल्की हल्की वाली इसमें सोइल ले रखी है, बिल्कुल भी मैंने जो हार्ड सोइल इस प्लांट में ऐड नहीं करी है। ये जल्दी पानी को सोख भी लेती है और पानी की रिक्वायरमेंट जब भी होती है पौधे को, हम उसमें तभी पानी डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें डेली डेली वॉटरिंग कर रहे हैं या फिर 15-20 दिन तक लगातार पानी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए प्लांट की जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए उस वक्त आपको इसमें पानी देना है,
टाइम टाइम पर आपको इसमें गुड़ाई भी करनी है, और अगर इसकी पत्तियां गंदी हो जाती हैं, डस्ट लग जाता है, तो आपको इन्हें स्प्रेयर से साफ कर देना है, या फिर आप कॉटन का कोई कपड़ा लेके उससे भी इसकी पत्तियों को साफ कर सकते हैं। और इंडोर प्लांट है ये, बेस्ट होता है इंडोर प्लांट, और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। जो मैंने अभी टिप्स बताए हैं आपको थोड़े थोड़े, बस आप उनको फॉलो कर लीजिए, उसी में आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को मतलब सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, उससे प्लांट अच्छे से चलता है। अगर हम बात करें इसमें कीट वगैरह की, तो देखिए ज़्यादा कीड़े इस प्लांट में वैसे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई इंसेक्ट अटैक हो जाए, कई बार क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कटने लग जाती हैं, तो वो पत्तियों को काटने वाला कीड़ा इसमें ज़रूर लग जाता है। तो आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप उस पत्ते को बिल्कुल हटा दीजिए, और इसके अलावा इसके ऊपर महीने में, 1.5 महीने में आप इसमें नीम ऑयल की स्प्रे करते रहें। अगर आप नीम ऑयल नहीं खरीद सकते हैं तो आप इसमें जो नीम के पत्ते होते हैं पहले उनको उबाल लीजिए, और उबालने के बाद उन्हें ठंडा करके और उस पानी की आप इस पर स्प्रे कर दीजिए, उससे भी इसके आसपास कीड़े नहीं आएंगे, वो भी इसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और एक चीज़ जो होती है वो सीवीड, अगर आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है तो वो आप ज़रूर इस प्लांट में मिलाइए, वो भी इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा मेरे पास ये एक छोटा सा प्लांट है, ये मनी प्लांट का ही, और वही सेम वैरायटी है। इसको मैंने अभी धूप में रख दिया था क्योंकि गलती से मेरे से इसमें ओवर वाटरिंग हो गई थी, तो इसको थोड़ा ड्रेन करने के लिए मैंने धूप में रखा हुआ है। अभी ये प्लांट छोटा है और हल्के हल्के ग्रोथ कर रहा है। काफ़ी पुराना प्लांट है ये और लगभग मरने की कंडीशन पे आ गया था, बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करी, बहुत ज़्यादा सर्च किया और इस प्लांट को फाइनली देखी, इसमें नई नई पत्तियाँ आ गई हैं, और भी काफ़ी सारी जो रूट्स हैं वो भी इसमें डेवलप हो जाएंगी, एक सिंगल रूट भी इसकी डेवलप हो गई है। तो ये थे मेरे मनी प्लांट्स और इनसे रिलेटेड मेरे पास इन्फॉर्मेशन। इन्हीं छोटे छोटे टिप्स का मैंने इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया, वाटरिंग का ध्यान रखा, ओवर वाटरिंग नहीं करी, क्योंकि उससे क्या होता है कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो जड़ जो है वो मेन होती है किसी भी प्लांट की, और अगर वही ख़राब हो गई तो देखिए प्लांट तो ज़रूर ख़राब हो जाएगा। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और जो पत्तियां वगैरह हैं बिल्कुल आपको क्लीन रखनी है। आप अपने प्लांट्स को गंदा बिल्कुल भी मत रखिए, इससे आपके प्लांट मरने लग जाते हैं। कोई भी पत्ता डैमेज हो जाता है तो आप उसे कट कर दीजिए, जैसे कि मेरे प्लांट में भी जो नीचे के पत्ते हैं वो डैमेज हैं, जो लंबे वाले बड़े वाले पत्ते दिख रहे हैं वो हल्के हल्के डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। सो बेटर है कि मैं उन्हें हटा दूँ। सो ये कुछ नॉर्मल टिप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।